नागपुर शहर में 5 साल से ज्यादा समय एक ही थाने या एक ही विभाग में कार्यरत 600 से अधिक पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जिसमें कर्मचारी से लेकर सहायक उप निरीक्षक शामिल है। खास बात तो यह है कि पुलिस कर्मियों का तबादला उनकी मनपसंद जगह पर किया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने 5 साल से अधिक समय तक एक ही थाने या विभाग में तैनात सैकड़ों पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया। जो लोग इस दौरान पुलिस भवन में मौजूद नहीं, उनको भी जहां पर जगह खाली होगी उन्हें वहां पर तैनात किया जाएगा। पुलिस आयुक्त के इस कदम से किसी को खुशी तो किसी को गम का सामना करना पड़ा। ज्यादातर पुलिसकर्मी मनपसंद जगह पर तबादला मिलने से बेहद खुश नजर आए। आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने यह तबादला अनोखे अंदाज में किया। पुलिस आयुक्त ने लड़कों के सामने बैठकर प्रत्येक कर्मचारी को 3 पर्याय दिए। इसके आधार पर जिस पुलिस कर्मचारी ने अपनी पसंदीदा जगह चुनी, उस कर्मचारी का तबादला कर उसे वहां भेजने के आदेश दिए गए। बाइट नागपुर पुलिस विभाग के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पारदर्शिता पूर्ण तबादला होने से खुशी का वातावरण निर्माण हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले तबादले के लिए लड़कों या अन्य अधिकारियों के पास कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। इसी के साथ ही पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सभी पुलिस कर्मियों से कहा कि वह जिस भी जगह जा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि पुलिस की छवि को कोई भी धक्का न लगने पाए, इसी उद्देश्य से वह अपने तबादले की जगह जाकर कार्य करें। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सर अंसारी, बीसी न्यूज़, नागपुर। गोपाल वैद्य, हाँ पूछा गया था साहब ने और हमने जो बोला वही दिया साहब ने, हमने कलम ना बोला, कलम नहीं दिया साहब ने। जैसे स्टाफ की कोई विनंती रहे तो साहब वहीं भी करते हैं, और जहाँ अपनी इच्छा से है वहाँ अपन ने बोले तो साहब वहाँ भी देते हैं। नहीं, वो हमको जो मंगा देते लिस्ट, जो आपको 3 पुलिस स्टेशन होना, वो पुलिस स्टेशन हम लिखते थे, उससे पैसे कोई 1 पुलिस स्टेशन हमारा ट्रांसफर होता था। नहीं, हमारी इच्छा से हमको काम करना है, वर्क करना है, तो जहाँ आपने मंगा हमने मंगा वहाँ साहब ने दिया, करेंगे करेंगे काम करेंगे, पुलिस में है तो काम करना ही है। मेरा नाम है हेड कांस्टेबल मोहन वानखड़े, पोस्टिंग है स्पेशल ब्रांच शाखा नागपुर शहर। आणि आज आमचा इथं सीबी साहेबांनी बदली संदर्भात बोलावले असता त्यांनी सांगितले आपण हजर आम्ही हजर राहिलो, आणि आज बदली संदर्भामध्ये आमची समस्या सांगितली असता सीबी साहेबांनी आमची समस्या ऐकून घेतली। मला पॅरालिसिस प्रॉब्लेम आहे, हार्ट प्रॉब्लेम आहे, शुगर प्रॉब्लेम आहे, आणि हे माझे प्रॉब्लेम सरांनी सीबी साहेबांनी ऐकून घेतलेले आहेत, आणि मला त्याच ठिकाणी कंटिन्यू पोस्टिंग दिलेली आहे, आणि मी सीबी साहेबांचे धन्यवाद मानतो की त्यांनी माझे ऐकून घेतलेलं आहे, आणि मी समाधान आहे। सीबी साहेब ज्याची समस्या असली ते ऐकून घेतात आणि त्याच्याप्रमाणे ते त्यांना पोस्टिंग देतात। समाधानकारक सीबी साहेब काम करतात, आणि आम्हाला खात्री होती की सीबी साहेब आमचं ऐकून घेतील आणि समाधानकारक आमचं काम करतील। हेड कॉन्स्टेबल सारंग मोरे, मागितले तिथेच दिलेलं आहे, तसं विशेष शाखा कोतवाली आणि पोलीस नियंत्रण कक्ष हे मागितले होते, त्यापैकी कोतवाली दिलं। हो, समाधानकारक, कार्यक्षमता बढेगी ना, कर्मचारियों को पूछकर अगर बदली होती है उनके दिल मुताबिक तो कार्यक्षमता बढ़ेगी पुलिस की। डेफिनेटली एब्सेंटिज्म का बात तो एक है, ओवरऑल लोगों की इच्छा प्रमाणे बदली होने पे डेफिनेटली उनकी मोटिवेशन बढ़ी रहती है, उनकी कार्यक्षमता बढ़ी रहती है, वो ज़्यादा दिल लगा के ज़्यादा मन लगा के काम कर्मचारी करते हैं ऐसा पाया गया है, और हमें नैतिक अधिकार भी उनसे ज़्यादा अपेक्षा करने की होती है। इस दृष्टि से पारदर्शक ट्रांसपेरेंट उनके मन के प्रमाणे जितनी भी शक्यता हो सकती है प्रशासन की दृष्टि को ध्यान में रख के वैसी बदली की जाने की प्रयत्न। आज टोटल 1100 कर्मचारी जिनकी एक पुलिस स्टेशन में 5 साल पूरी हो गई है उनकी बदली की जा रही है।